Good afternoon, friends. Welcome to Divine Institute for Judicial Services. Today we shall be discussing a very important topic that is prescribed in BLLB course of various universities related to private international law. Aur isme hum, as per the syllabus, as you can see from the syllabus itself, isme hum yo discuss karne ja rahe hain, that is about the meaning of private international law, right? The scope of private international law, right? Its definition and, subject matter of private international law. And finally, we shall be discussing about the difference between private international law and public international law. So, four topics, very important, hum discuss karne ja rahe hain. Hope you will be able to understand what exactly is private international law and how does it differ from public international law. अच्छा चलो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम ये समझें कि लॉ क्या चीज है ठीक है क्योंकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को समझने के लिए अपने दो वर्ड समझने हैं जरूरी इससे पहले कि हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ क्या चीज होती है तो लॉ हम सिंपल बोलते हैं कि लॉ आर दोस रूल्स ठीक है एंड रेगुलेशंस राइट जिसकी वजह से कोई ऑर्डर आता है सोसाइटी में ठीक है लॉ इज मस्ट बिकॉज सोसाइटी में अगर ऑर्डर और पीस लाने के लिए ठीक है अगर हमें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो वो लॉ है बिकॉज ये इनहेरिट नेचर है ह्यूमन बींग की कि ह्यूमन बींग राइट सेल्फिश क्रिएचर है और इसी की वजह से बहुत से कन्फ्लिक्ट सोसाइटी में होते हैं इन्हीं कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए राइट हर सिविलाइज कंट्री लॉज बनाती है ठीक है एंड वी हैव you know a number of laws not only you know which operate within our country agar hum india ke baat kare but also at the international level yaad rakhna ek badi cheez jab hum law ki baat karte hain jo desh apne desh ke andar order lane ke liye law banata hai usko municipal law kehte hain theek hai aur jo law right international level pe order lane ke liye bane hain aaj ki date mein unko international law kehte hain theek hai ab hum ye samjhenge ki इंटरनेशनल लॉ क्या चीज है और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या चीज है ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ये जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है ठीक है इसमें दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट यूज हुए हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है नंबर वन प्राइवेट एक ये वर्ड यूज है दूसरा है इंटरनेशनल लॉ सबसे पहले हम प्राइवेट को समझते हैं कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ तभी हमें पूरा कंसेप्ट समझ आएगा कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ किस चीज का नाम है और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ किसको डील करता है ठीक है तो प्राइवेट से हमें अपने आप पता चलता है कि प्राइवेट इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड पब्लिक जब हम वर्ड पब्लिक यूज करते हैं तो पब्लिक इज ऑलवेज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट स्टेट का मतलब होता है कंट्री जब हम पब्लिक लॉ की बात करते हैं तो हम राइट उस लॉ की बात करते हैं जो कि स्टेट या देश को चलाता है ठीक है इनफैक्ट आपको समझना होना चाहिए कि अगर हम ब्रॉडली बात करें तो लॉ को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं ठीक है लॉज दो कैटेगरीज के प्राइवेट लॉ पब्लिक लॉ पब्लिक लॉ अब ये जो प्राइवेट लॉ है प्राइवेट से अपने आप हमें पता चलता है इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्राइवेट लॉ ठीक है या प्राइवेट एक ऐसा सफेर है जहां हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के रिलेशनशिप की बात करते हैं इन दैट सेंस ऐसा लॉ जो कि इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है उसको प्राइवेट लॉ कहते हैं और यो लॉ स्टेट या देश के रिलेशंस को रेगुलेट करता है या देश को चलाता है ठीक है इन फॉर दैट मैटर आप ये भी कह सकते हो जो देश का लॉ है ठीक है जिससे स्टेट चलती है उसको हम पब्लिक लॉ की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं और यो राइट लोगों के रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनता है उसको हम प्राइवेट लॉ कहते हैं इसको सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में प्राइवेट लॉ
की कैटेगरी में कौन कौन से लॉ आएंगे, जैसे आईपीसी हो गया जो कि अब चेंज हो जाएगा, जिसको हम इंडियन पेनल कोड कहते हैं, ठीक है, जो कि सोसाइटी में लोगों के रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है कि लोग आपस में लड़े नहीं, राइट, क्राइम ना करें, ठीक है, राइट, या हम ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ हमने बनाया है कि लोग जो प्रोमिसेस करें उनको ऑनर करें, ठीक है, आपस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी मैटर के ट्रेड को लेके हो रहा है या किसी और किसी मैटर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको ऑनर करें, ठीक है, अगर वो ऑनर नहीं करते हैं तो उसके लिए उनको कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, रेमेडी लेने का अधिकार है, जो इंजर्ड पार्टी हो, जो यू नो अग्रीड पार्टी होगी वो कोर्ट में जा सकती है, ठीक है, सो दैट जो प्रोमिसेस आपने यू नो आपस में की है उनको आप परफॉर्म करें, राइट, ये प्राइवेट लॉ की कैटेगरी में। दूसरी साइड हम चलते हैं पब्लिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो हमारे देश का है, ये एक पब्लिक लॉ है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमारे देश को चलाता है, ठीक है, ये हमारे देश के जो ऑर्गन्स है लेजिस्लेचर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव उनको बनाता है और उनको चलाता है, ठीक है, उनकी पावर्स डिफाइन करता है, ठीक है, उनके आपस में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो कि पार्ट है स्टेट का उसको चलाता है, ठीक है, एंड इंटरनेशनल लॉ जो कि दो देशों के रिलेशनशिप या दो से ज्यादा देशों के आपस में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, ठीक है, राइट, उसको पब्लिक लॉ की कैटेगरी में हम डालते हैं। यही से हमें अपने आप पता लगेगा कि प्राइवेट, यहां वर्ड यूज हो रहा है, इट मींस ये ऐसा लॉ है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, पहले तो हम प्राइवेट की बात कर रहे थे, प्राइवेट ऐसा लॉ है जो कि दो इंडिविजुअल के बीच में कोई रिलेशनशिप है या कोई किस्म का रिलेशनशिप है, जब यू नो उस रिलेशनशिप को लेके कोई डिस्प्यूट है, राइट, उसको रिजॉल्व करने के लिए जो लॉ यूज होगा उसको हम प्राइवेट कहेंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पब्लिक लॉ। पब्लिक मींस दो देशों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, तो वो किसका मैटर बन जाएगा, पब्लिक लॉ का, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में क्लियरली बताया कि लॉ दो किस्म के होते हैं, प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ। प्राइवेट लॉ रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, एंड पब्लिक लॉ इज द लॉ व्हिच रन्स द स्टेट, व्हिच डिफाइंस द पावर्स ऑफ द स्टेट, क्लियर, दैट्स व्हाई यहां वर्ड यूज होता है प्राइवेट लॉ। तो पहला तो वर्ड हमें पता लग गया कि प्राइवेट किसको कहते हैं, ऐसा लॉ व्हिच इज रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप और व्हिच इज यूज्ड फॉर राइट डिसाइडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन ह्यूमन बींग्स फॉर दैट मैटर, आप ऐसा कहते, ठीक है, बिटवीन पर्संस रादर देन स्टेट्स, स्टेट मींस कंट्री, नेशन, उसकी बात नहीं कर रहे, राइट। सेकेंड वर्ड है इसमें इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ मींस अगेन दो देशों के बीच में, ठीक है, जब लॉ की हम बात करेंगे, हमने यहां वर्ड पब्लिक नहीं यूज किया है, हम प्राइवेट ही बात कर रहे हैं, बट अब दूसरा वर्ड है इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल मीन दो देशों के बीच में, राइट, दो देशों के बीच में जो मैटर है उसको हम इंटरनेशनल कहते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में जो कोई मैटर है, ठीक है, राइट, राइट, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई मैटर है वो इंटरनेशनल, इंडिया और यूएसए के बीच में कोई मैटर है वो इंटरनेशनल हो गया, बट यहां वर्ड क्या यूज हुआ है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, इट मींस ये ऐसा लॉ है जो कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में है और वो दो इंडिविजुअल दो अलग अलग कंट्रीज के हैं, दो अलग अलग कंट्रीज के इंडिविजुअल, इंटरनेशनल तभी हो गया, राइट, एक इंडिविजुअल इंडिया का है फॉर दैट मैटर और एक इंडिविजुअल यूएसए का है, राइट, दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी रिलेशनशिप जो किसी डिस्प्यूट का मैटर बनेगा तब हम उसको प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की कैटेगरी में डालेंगे। इसकी सिंपल एग्जांपल ले लो, ठीक है, कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में हम इसको कैसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। पहले तो हमने डिफाइन किया कि प्राइवेट का मतलब दो इंडिविजुअल्स, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल, ठीक है, प्राइवेट हो गए, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल मींस वो इंडिविजुअल अलग अलग देशों के हैं, ठीक है। अब फॉर दैट मैटर आप समझ लीजिए कि ए और बी दो इंडिविजुअल है, एक इंडियन है और बी एक यूएस सिटीजन है फॉर दैट मैटर, ठीक है, दोनों के बीच में एक सेल या किसी और मैटर सर्विस का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, राइट, दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है,
एक इंडियन सिटीजन है, एक यूएस सिटीजन है, ठीक है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल को लेके, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, राइट। अब ये डिस्प्यूट जो है ये हो गया इंटरनेशनल लेवल का डिस्प्यूट कॉन्ट्रैक्ट को लेके, ठीक है, और सब्जेक्ट किसका बन गया, सब्जेक्ट मैटर किसका बन गया, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का, बिकॉज दो इंडिविजुअल प्राइवेट हो गए और इंटरनेशनल मीन दो अलग अलग नेशनैलिटीज के इंडिविजुअल हो गए इंटरनेशनल, ठीक है, राइट। इसी की एक और एक्सटेंशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, और यूएसए में जाके राइट शादी कर लेता, डिक्लेयर ए हु इज एन इंडियन सिटीजन बट ही इज ऑलरेडी मैरिड इन इंडिया, वो इंडिया में ऑलरेडी उसकी शादी हुई है, ठीक है, एक हिंदू हस्बैंड सपोज एक हिंदू है, ठीक है, वो इंडिया में ऑलरेडी मैरिड है और यूएसए में जाके एक और शादी कर लेता है, राइट। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि उसकी मैरिज अंडर लॉ, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इंडियन लॉ की बात करें तो वो लॉ जो वो मैरिज इनवैलिड है बिकॉज पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, रादर वो क्रिमिनल भी है, ठीक है, सेक्शन 492 आईपीसी पॉलीगैमी को प्रोहिबिट करती है, ठीक है। नाउ ऐसे मैटर को रिजॉल्व करने के लिए कि उसकी मैरिज वैलिड है, ठीक है, या इनवैलिड है, उस मैटर को डिसाइड करने के लिए क्या पता यूएसए में पॉलीगैमी, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम करें यूएसए में पॉलीगैमी राइट लीगल है, ठीक है, वहां पॉलीगैमी हो सकती है। अब इंडिया के सिटीजन ने यूएसए में जाके शादी की, अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि उनके बीच में अब वो शादी के लेके जो डिस्प्यूट है, ठीक है, कि वो शादी वैलिड है, ठीक है, लड़की वाले चैलेंज कर रहे हैं कि शादी इनवैलिड है, ठीक है, लड़के वाले कह रहे हैं कि शादी वैलिड है, अब ये वैलिड और इनवैलिड का जो डिस्प्यूट है इसको किस लॉ के अंदर डिसाइड किया जाएगा, राइट। तो यहां क्वेश्चन आएगा पब्लिक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अंदर, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अप्लाई करके ये डिसाइड किया जाएगा कि ये शादी वैलिड है या ये शादी इनवैलिड है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि पॉलीगैमी यूएसए में लॉफुल है, लीगल है, ठीक है, बट इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग अंडर हिंदू मैरिज एक्ट अगर हम अप्लाई करें तो वो इनवैलिड मैरिज है। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि ये डिस्प्यूट जो राइज हुआ शादी के लेके, ये किसका सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट मैटर किसका बन गया, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का, क्योंकि एक सिटीजन एक देश का, हमारे देश का, एक सिटीजन यूएसए का, दोनों के बीच में शादी को लेकर डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, डिस्प्यूट हो गया या हम उसकी वैलिडिटी को लेकर क्वेश्चन राइज हो गया, राइट। नाउ द क्वेश्चन राइज इज कि उसको किस लॉ के अंडर सेटल किया जाएगा, क्या उसमें हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा या यूएसए का लॉ अप्लाई होगा, हियर comes the question of private international law. ये matter बन गया private international law का, दो individual के बीच में dispute है शादी को लेके और दोनों individual अलग अलग nationalities के हैं, एक USA का citizen है, USA का national है और एक India का national है, ठीक है। अब इनको कैसे decide किया जाएगा, यही question rise होता है कि किस court की jurisdiction होगी, right? क्या USA की court decide करेगी इस issue को या India की court decide करेगी, इसके लिए क्या rules हैं, यही रूल्स प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ हमें ले डाउन करता है, ठीक है, उसमें बहुत सी आगे कंडीशंस हैं कि कौन सा रूल अप्लाई होगा, राइट। दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस डिस्कशन, बट मैं आपको ये बताना चाहता था कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में कैसे कैसे डिस्प्यूट अराइज होती है, डिस्प्यूट कॉन्ट्रैक्ट को लेके हो सकता है, सेल और परचेज को लेके हो सकता है, सर्विस को लेके हो सकता है, मैरिज को लेके हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है, राइट। बट ये डिस्प्यूट हमेशा दो प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच में होगा और दोनों प्राइवेट इंडिविजुअल अलग अलग देश के हैं, दिस इज why प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज ए लॉ which settle the disputes between nations, between countries, between states, not between private individuals. Okay? And yahi aapke syllabus ka part hai ki what is the difference between public international law and private international law. Okay? To yahan se hum simply we can bring home the idea that public international law, the word public is very much self-explanatory to state that it involves the dispute or law. Okay, relating to the relationship between two states, whereas private, the word private indicates that it is a law which regulates the relationship, legal relationship particularly, between private individuals of two different nationalities or two different countries or two different states. Okay, right. Second, आपने एक और चीज़ समझा है, public international law is universal. ठीक है, अगर हम law of seas को पढ़ें,
ठीक है, जिसको हम इंटरनेशनल लॉ का एक पार्ट कहते हैं, या हम वियना कन्वेंशन पढ़ें, ठीक है, राइट, देयर आर सो मेनी कन्वेंशंस ऑन डिफरेंट मैटर्स रेगुलेटिंग डिफरेंट मैटर्स एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल अप्लाई होगा सभी देशों के ऊपर, चाहे वो इंडिया है, चाइना, सबके ऊपर वही रूल्स अप्लाई होंगे जो कि ट्रीटीज और कन्वेंशन के द्वारा राइट कंट्रीज ने माने हैं, उनके सिग्नेटरीज हैं, ठीक है। इट मींस पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन का लॉ है, सभी देशों के ऊपर बराबर अप्लाई होगा, वेयर एज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है, एक स्टेट में अलग किस्म का लॉ है बिकॉज हर स्टेट के अपने म्यूनिसिपल लॉज हैं, ठीक है, राइट। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट कहें, ठीक है, हमारा मैरिज का लॉ हिंदू मैरिज एक्ट है, राइट, यूएसए में अलग किस्म का मैरिज का लॉ होगा, यूके में अलग किस्म का मैरिज का लॉ होगा, ठीक है, राइट। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, बिकॉज एवरी स्टेट हैज इट्स ओन म्यूनिसिपल लॉ, व्हेयरएज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। यही मेन पॉइंट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को डिफरेंशिएट करने का, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और डिफरेंट, सिंस every state, every nation has its own distinct set of laws regulating different matters, चाहे वो contract का law है, हमारा Indian contract act है, ठीक है, चाहे वो property का law है, ठीक है, immovable transfer of property act है, ठीक है, चाहे वो marriage का law है, ठीक है, Hindu marriage act है हमारे देश में, ठीक है, right, बाकी तो चलो personal laws हैं, right, whereas, ठीक है, USA का अलग property law होगा, USA का अलग criminal law होगा, ठीक है, राइट, यूएसए का अलग मैरिज लॉ होगा, कनाडा का अलग मैरिज लॉ होगा, राइट, यूके का अलग मैरिज लॉ होगा, ठीक है, कुछ कंट्रीज में पॉलीगैमी लॉफुल है, कुछ कंट्रीज में ठीक है पॉलीगैमी अनलॉफुल है, ठीक है, इवन पनिशेबल भी है इन ए कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, डिवोर्स के क्या लॉज हैं दूसरे कंट्रीज में अलग हैं, हमारे देश में अलग किस्म के लॉज हैं रिलेटेड टू डिवोर्स, एग्जैक्टली, राइट, this is the reason that since they are not universal or uniform across different states of the world, therefore public private international law ko ek aur naam se jana jata hai, that is called as conflict of laws, isliye isko conflict of laws bhi kaha jata hai, conflict of laws, this is very important concept, right, why do we call it as conflict of laws, because municipal law of different nations or different countries of the world are different regulating different matters, right, which are far from uniform, right, jo maine aapko example di, and since municipal laws regulating different matters are not uniform across the world, across the countries, right, therefore there is always a conflict relating to these matters, right, property matters, matrimonial matters, okay, contract matters, right, is that clear? When it comes to a conflict between two individuals or two different nationalities, isliye private international law ko conflict of laws bhi kaha jata hai. To do cheeze hame yahan se clarify hongi ki private international law kya hai, briefly private international law ka meaning kya hai, so aap simple keh rahe ho, meaning means private and international do word ko aapne एक्सप्लेन करना है, प्राइवेट मीन्स इंडिविजुअल्स नॉट स्टेट, एंड इंटरनेशनल मीन्स राइट दो नेशंस, ठीक है, दो या उससे ज्यादा नेशंस, मीनिंग दैट ये ऐसा लॉ है जो कि दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स जो कि डिफरेंट कंट्रीज के हैं उनके रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है, राइट, या उनके डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए यूज होता है, ठीक है, whereas पब्लिक इंटरनेशनल लॉ या जिसको हम कॉमनली इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, जो स्टेट के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है, या स्टेट के बीच में दो कंट्री के बीच में कब कोई डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए यूज होता है, ठीक है, राइट, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट सेपरेट, ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपल लॉ ऑफ एवरी स्टेट जो देश ने अपने अलग अलग मैटर्स के लिए बनाया है, व्हेयरएज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज ए डिफरेंट set of law which has been evolved through
treaties among the state through customs, और सभी देशों ने उसको माना है और उसको सभी के ऊपर equally binding माना जाता है. ठीक है, राइट? आई थिंक दिस मच इज क्लियर. तो ये मेरा पर्पस है आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट रिटेड लॉ के बीच में. जनरली हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये इंटरनेशनल लॉ, राइट, स्टेट के डिस्प्यूट या स्टेट के रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए लॉ है, या राइट ये इंटरनेशनल लॉ दो या दो से ज्यादा प्राइवेट इंडिविजुअल के रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए राइट बनाया गया है. बनाया गया क्या करें, इट्स अ पार्ट ऑफ द यू नो पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री. दैट्स व्हाई मैंने वर्ड यूज किया था, इट्स अ पार्ट ऑफ द म्युनिसिपल लॉ. ठीक है, जो देश का अपना लॉ है, ठीक है, अलग अलग मैटर्स के लिए बनाया है, उसी लॉ को ही प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है. बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये देश में जो रह रहे हैं लोगों के लिए यू नो जो लॉ है, ठीक है, वही लॉ है. बट यहाँ जो लोग हैं, राइट, वो अलग अलग नेशनैलिटीज के हैं. एक इंडियन नेशनल है और एक यूएसए नेशनल है. उनके बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट राइज होता है तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन सा लॉ यूज होगा उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए. तो आंसर मिलेगा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. उसमें अलग अलग थ्योरीज हैं कि कौन सी कोर्ट के पास ये मैटर जाएगा, ठीक है, किसकी जजमेंट कहाँ अप्लाई होगी, ठीक है, क्या रूल्स होंगे, ठीक है, सो दैट सबके साथ एक फेयरनेस हो उस लॉ को यूज करके जो कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है. ठीक है, उसको यूज करके सबके साथ जस्टिस हो, ठीक है, दोनों पार्टी के साथ जस्टिस हो. तो इसमें अलग अलग थ्योरीज इन्वॉल्व की है बाई स्कॉलर्स. दैट्स नॉट द टॉपिक ऑफ यू नो टूडेज डिस्कशन. बट उसमें मोस्टली राइट कभी कभी उसमें लेक्स डोमिसिली यू नो वो यूज होता है, कभी कभी लेक्स यू नो दिस वन यू नो द प्लेस, वो उस जगह का जहां कोई भी कॉज ऑफ एक्शन हुआ है या जहां कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस जगह का लॉ यूज होगा. ठीक है, या यहाँ, ठीक है, व्हाट डू यू कॉल एज हम ये कहते हैं कि यहाँ सपोज अगर मैरिज की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो सेरेमनीज मैरिज की हुई, राइट, उस जगह का जो लॉ होगा वो अप्लाई होगा, या जिस जगह में पार्टीज डोमिसाइल है उस जगह का लॉ यूज होगा. ये अलग अलग रूल्स हैं, ये कोर्ट अप्लाई करते हैं. ठीक है, जैसे यू नो ए प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का मैटर हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास भी आया कि एक इंडियन हिंदू हस्बैंड, राइट, ही सॉल्मेनाइज यू नो अनदर मैरिज, ठीक है, विदाउट डिवोर्सिंग हिज वाइफ बैक होम. ठीक है, और उन्होंने एक और शादी यूएसए में कर ली. ठीक है, राइट, नाउ क्वेश्चन रोज कि क्या उस हिंदू हस्बैंड की राइट शादी वो वैलिड है, ठीक है, या वाइड है. ये क्वेश्चन राइज हुआ, राइट, ऑन द ग्राउंड दैट कि उसने तो शादी इंडिया में तो की नहीं, बेशक वो इंडिया का सिटीजन है और इंडिया अंडर हिंदू मैरिज एक्ट ऑलरेडी मैरिड है. ठीक है, अपने उसने अपनी पहली वाली वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया है और यूएसए में जाके एक और शादी कर लेता है. तो क्वेश्चन यही राइज हुआ कि उसकी शादी राइट इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वाइड मानी जाएगी या यूएसए के लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि यूएसए में पॉलीगमी अलाउड है. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मैटर किसका बन गया, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का. तो अल्टीमेटली राइट सुप्रीम कोर्ट ने राइट क्या प्रिंसिपल अप्लाई किया, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल अप्लाई किया. ठीक है, और उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया कि राइट इस मैरिज की वैलिडिटी को डिसाइड करने के लिए डोमिसाइल देखा जाएगा उस पर्सन का, कि उसका डोमिसाइल कहाँ है. ठीक है, रादर देन द परफॉर्मेंस ऑफ सेरेमनीज ऑफ मैरिज जो कि उसने यूएसए में परफॉर्म की, तो डोमिसाइल कहाँ है उस पर्सन का. सो एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज व्हेन ही सॉल्मेनाइज्ड मैरिज सेकंड मैरिज इन यूएसए, तो डोमिसाइल कहाँ था, तो ये डिसाइड किया कि उसका डोमिसाइल इंडिया में था, इसलिए उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट जो कि इंडिया का लॉ है वो अप्लाई होगा और उसकी मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जाएगी अंडर हिंदू लॉ. ठीक है, राइट, पर ये सब्जेक्ट किसका था, सब्जेक्ट मैटर किसका था, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का. ठीक है, क्योंकि दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व थे, एक इंडियन और एक यूएसए का सिटीजन, दोनों के बीच में शादी होती है, बेशक शादी यूएसए में हुई बट दो प्राइवेट इंडिविजुअल हो गए, वर्ड आ गया इंटरनेशनल दो नेशन के बीच में. ठीक है, इंडिया और यूएसए, इसलिए प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर बन गया. एंड शादी की वैलिडिटी को डिसाइड करने के लिए कोर्ट कौन सा लॉ यूज करेंगे, तो इसके लिए वही मैंने रूल कौन सा अप्लाई किया, उन्होंने रूल किया, ठीक है, लेक्स डोमिसिली. लेक्स का मतलब होता है लॉ एंड डोमिसिली मीन वेयर इज द डोमिसाइल ऑफ द पर्सन, राइट, दैट इज हिंदू हस्बैंड व्हेन ही सॉल्मेनाइज्ड सेकंड मैरिज.
Okay, so where was the domicile? Domicile was in India, and on the basis of that, his marriage was declared null and void, right? Because he was subject, okay, to the Hindu Marriage Act being a domicile of India at the time of his marriage. So this is how matrimonial disputes having international ramifications, international consequences, okay, are resolved through the application of private international law. ठीक है, ऐसे private international law apply होता है. ठीक है, तो अब आपको I am hopeful that you would be in a position to understand, ठीक है, what is private international law. ठीक है, how does it differ from, briefly मैंने आपको बताया, मैंने इसके लिए अच्छी सी पीपीटी बनाई है, so that you could further understand it. How does it differ from the public international law? ठीक है, what is its meaning? Meaning क्या है? ठीक है, and thirdly, what is the scope of private international law? Private international law का scope क्या है? Scope includes almost everything, right from contracts, sale purchase, ठीक है, property matters, matrimonial matters, हर चीज, ठीक है, जो कि international ramifications की है, involving two individuals of two different countries, वो subject matter बन गया private international law. Okay, right? And finally, हमने ये understand किया कि what is the difference between public international law and private international law. तो एक हमने highlight यहाँ से understand की कि public international law is of universal application, which is same for all the states of the world. जो कि यूनाइटेड नेशंस या जो कि यू नो कमिटी ऑफ नेशंस के मेंबर्स हैं, ठीक है, उन पे सब पे सेम लॉ अप्लाई होगा, चाहे वो डिप्लोमेटिक यू नो रिलेशंस को लेके लॉ है, चाहे वो लॉ ऑफ सीज को लेके लॉ है, चाहे वो स्पेस का लॉ है, सब देशों के लिए सेम लॉ है. दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. वेयर एज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, बिकॉज एवरी स्टेट, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ म्युनिसिपल लॉज regulating different matters, right from property to matrimony to inheritance to succession and what not, everything. ठीक है, ठीक है, this is the reason that कभी आपको ऐसा question भी पूछता है कि why do we call private international law as a conflict of laws? यही सबसे बड़ा reason है, because municipal law are not uniform across the world. Every state has its own system of municipal law regulating different civil matters. अलग अलग सिविल मैटर्स को रेगुलेट करने के लिए हर देश के अपने कानून हैं, इसलिए राइट इन कानून में हमेशा कंफ्लिक्ट होता है. ठीक है, कंफ्लिक्ट होता है, जैसे आप शादी को लेकर मैंने आपको बताया, ठीक है, इंडिया और यूएसए के सिटीजन शादी कर ली, अब ये कंफ्लिक्ट हो गया कि यूएसए का लॉ अप्लाई होगा या इंडिया का लॉ अप्लाई होगा, उस मैरिज की वैलिडिटी को डिसाइड करने के लिए कंफ्लिक्ट हो गया दोनों के बीच में, दोनों लॉज के बीच में. दिस इज वाई इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज कंफ्लिक्ट ऑफ लॉज. इसलिए इसको कंफ्लिक्ट ऑफ लॉज की परिभाषा भी दी जाती है. अब आते हैं जी हम स्ट्रेट उस पॉइंट पे आते हैं. राइट, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. सो इसमें हम जो सिलेबस का पार्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं, मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिया, मीनिंग तो आपको आप राइट मीनिंग समझने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने दो वर्ड को एक्सपेंड करना है. दो वर्ड कौन से? प्राइवेट एंड इंटरनेशनल. Private and international. Private means two individuals, up, right? Two individuals, two or more than two individuals for that matter. ठीक है, contract तो दो या दो से ज्यादा के बीच में भी civil contract हो सकता है. ठीक है, तो private का मतलब individuals for that matter. एक तो नहीं हो सकता, एक से ज्यादा ही होना चाहिए. Is that clear? शादी होगी तब भी तो दो बंदों के बीच में होगी, दो इंडिविजुअल के बीच में होगी. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब भी मिनिमम दो इंडिविजुअल के बीच में होगा. अगर सेल परचेज प्रॉपर्टी की होगी तब भी दो इंडिविजुअल के बीच में मिनिमम होगा. तो पहले आ गया मीनिंग का मतलब. प्राइवेट मीन्स टू इंडिविजुअल्स एंड इंटरनेशनल मीन्स ऑफ टू डिफरेंट नेशनैलिटीज और फॉर दैट मैटर ऑफ टू आर मोर देन टू डिफरेंट कंट्रीज स्टेट्स. Right. इसलिए ये मीनिंग अपने आप हमें पता लग रहा है कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का क्या मीनिंग है. ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन आप सिंपली कह सकते हो, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज डिफाइंड एज दैट लॉ व्हिच सेटल्स द डिस्प्यूट्स. ठीक है, राइट, बिटवीन इंडिविजुअल्स या अमंग इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट नेशंस या टू डिफरेंट नेशनैलिटीज.
ठीक है, ये डेफिनेशन होगी, राइट? आपने समझ रहे ये दैट इट इज दैट लॉ, सिंपल डेफिनेशन की कि इट इज दैट लॉ, ठीक है, या इट इज दैट स्पीसीज ऑफ लॉ विच इज यूज टू सेटल द डिस्प्यूट्स या टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स और अमंग इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशनैलिटीज, ठीक है, एंड दिस डिस्प्यूट कुड बी ऑफ एनी मैटर, मे इट बी प्रॉपर्टी मैटर, ठीक है, मे इट बी सेल परचेज, मे इट बी ordinary contractual matter, ordinary contract, or may it be matrimonial matter, right? And so on. ये कुछ भी हो सकता है. Is that clear? ठीक है, इसकी कितनी आप you know common example भी दे सकते हैं, right? अब suppose मैं आपको एक best example देता हूँ. अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी इटली में हुई, ठीक है, they solemnized the marriage somewhere in Italy, right? Now, God forbid, अगर उनकी शादी को लेके कोई dispute rise होता है, उनकी शादी को लेके कोई भी डिस्प्यूट, लेट्स से डिवोर्स और फॉर दैट मैटर यू नो आप ये कह दो कि वैलिडिटी को लेके एग्जांपल दे रहा हूं, तो राइट वो किसका सब्जेक्ट मैटर बन जाएगा, प्राइवेट इंटरनेशनल होगा, ठीक है, वो किसका बन गया, बिकॉज शादी, राइट, अब कॉज ऑफ एक्शन कहां हुआ, ठीक है, ऑल्दो दे बिलोंग टू कंट्री इंडिया ओनली, ठीक है, तो इसको आप एक्चुअल में इसको अगर आपको पूछा जाए कि क्या ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का मैटर है, तो आंसर मिलेगा नो, बेशक शादी देश से बाहर हुई मगर वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का मैटर इसलिए नहीं है क्योंकि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में हमें सबसे बड़ी चीज क्या देखनी है कि दो पार्टी जो है, जो इंडिविजुअल जो है, ठीक है, वो अलग अलग देश के होने चाहिए, तो पहले कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन भी आपको, राइट, अगर यही विराट कोहली की शादी किसी यू नो ऑस्ट्रेलियन वुमेन से होती तो ये मैटर उसकी वैलिडिटी को लेकर या उसके रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता तो ये मैटर फिर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का बन जाता, ठीक है, तो अब आते हैं मीनिंग डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, लेट्स कम टू द फर्स्ट स्लाइड, व्हाट इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, जिससे आपको मीनिंग और डेफिनेशन का पता लगेगा, तो यहां से आप अपने इट्स ए लॉ दैट डील्स विद मैटर्स कुछ भी हो सकते हैं विच कंसर्न इंडिविजुअल्स रादर देन स्टेट्स, यही बताया था मैंने कि ऐसा लॉ है जो कि इंडिविजुअल के साथ रिलेटेड है, ठीक है, ये इंडिविजुअल मिनिमम दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, राइट, रादर देन स्टेट, देशों का मैटर नहीं है, देश इंडिया और यूएसए का जब एज ए नेशन कोई डिस्प्यूट राइज होगा तो वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर डिसाइड होगा, इज दैट क्लियर, राइट, अगर इंडिया का एक सिटीजन है और एक यूएसए का सिटीजन है, उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी रिलेशनशिप अगर डिसाइड करना होगा तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ यूज होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज अ लॉ दैट डील्स विद मैटर्स व्हिच कंसर्न इंडिविजुअल्स रादर देन स्टेट्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स के साथ रिलेटेड है, बट एट द सेम टाइम ये बताया था एट द सेम टाइम फॉल अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ टू आर मोर डिफरेंट स्टेट्स, दिस इज व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, दो एलिमेंट इन्वॉल्व है, एक तो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, ये हमने पहले बोल दिया फॉल अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, स्टेट नहीं, स्टेट होगा, स्टेट के बीच में कोई मैटर होगा तो वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ या सिंपली आप उसको इंटरनेशनल लॉ कह सकते हो, उसका मैटर हो जाएगा, ठीक है, बट ये दो इंडिविजुअल, तभी मैंने अनुष्का शर्मा और आपको विराट कोहली की एग्जांपल दी थी, राइट, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट राइज होता है रिलेटेड टू देयर मैरिज तो क्या वो प्राइवेट इंटरनेशनल का मैटर बनेगा, तो आंसर मैंने आपको पहले बताया नो, बिकॉज बोथ आर इंडियन नेशनल्स, इसलिए बेशक शादी उन्होंने इटली में की, राइट, अगर उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो प्राइवेट इंटरनेशनल का मैटर नहीं होगा, right, that would be dealt under Indian law, Indian Hindu marriage, because their Hindu marriage act ke under decide hoga, clear, right, but at the same time fall under the jurisdiction of two or more different states, that's why it is called as private international law, right, for example the contracts of sale or service, koi bhi contract ho gaya India ke individual ke beech mein, theek hai, aur Pakistan ke individual ke beech mein, right, for that matter, right, कोई भी कंट्री के कनाडा के सिटीजन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेल परचेज को लेके, राइट, और वो मैटर किसका बन गया, सब्जेक्ट मैटर किसका बन गया, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का, सेल ऑफ सर्विस बिटवीन पर्संस इन डिफरेंट कंट्रीज,
राइट, पर्सन्स वर्ड यूज किया है, पर्सन्स कैन बी कंपनीज, एक इंडिया की कंपनी है और एक यूएस बेस्ड कंपनी है, दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट, रिलेटेड टू सेल एंड परचेज, और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का मैटर बन गया। डिफरेंट कंट्रीज इज एन इंस्टेंस व्हिच इज गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, सच रूल्स हैव इवॉल्व्ड टू अवॉइड, क्यों बनाए गए, इसका दूसरा आपको क्वेश्चन मिलता है कि रूल किस लिए बनाए, सच रूल्स हैव इवॉल्व्ड टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स which arise due to conflicting rules of municipal laws of different state. इसलिए ये private international बनाया गया है कि अलग अलग देश के अपने laws हैं अलग अलग matters को regulate करने के लिए। जैसे मैंने आपको marriage को लेके law बताया, ठीक है, अगर हम हिंदू की बात करें तो हमारे पास हिंदू marriage act है 1955, ठीक है, यहाँ divorce की क्या grounds हैं वो mentioned है, restitution of conjugal rights, you know, उसके बारे में लिखा हुआ है, राइट, मैरिज कब नल एंड वॉइड होगी, पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, ठीक है, मोनोगैमस मैरिजेस ही अलाउड है, बट इट मे नॉट बी सेम इन अनदर कंट्री, से इन मुस्लिम कंट्री, ठीक है, से इन इस्लामिक स्टेट, उनके अपने लॉज है, ठीक है, वहां पॉलीगैमी अलाउड है, वहां पॉलीगैमी वैलिड है, राइट, तो इसलिए राइट, अगर कोई ऐसा मैटर इन्वॉल्व होता है शादी को लेके या सेल एंड परचेज को कॉन्ट्रैक्ट लेके या प्रॉपर्टी को लेके, राइट, उसके लिए प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ यूज होगा, और अलग अलग म्युनिसिपल लॉज के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए इसलिए हमने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ बनाया है। पूरी दुनिया में प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इसलिए यूज होता है कि हर देश के अपने लॉज के जो कन्फ्लिक्ट है वो अवॉइड हो, किसी भी मैटर को जस्टिस और फेयरनेस के बेसिस पे डिसाइड करने के। This is the rationale behind the public ethic, because हर state के, that's why मैंने आपको बताया था कि that's why हर state के अपने municipal laws हैं और उन municipal laws में uniformity नहीं है, इसलिए private international law को conflict of laws भी कहा जाता है, ठीक है, तो आप पूछोगे कि फिर किसका law apply होगा, ये फिर अलग अलग इसके लिए theories हैं, अलग अलग इसके लिए rules बने हैं कि domicile जहां individual का है उसको use किया जाएगा, right? जैसे हम उसको अगर हम एक और मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अंडर एक मैटर आप ले लो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पार्टी की कंसेंट चाहिए, पार्टीज की कैपेसिटी होनी चाहिए, मीन माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लॉ में आपने पढ़ाई है, ठीक है, अब अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर हम सेक्शन 11 पढ़े तो वहां लिखा है कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट वाइड होते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली। Now the question arises, एक इंडियन नेशनल यूएसए के सिटीजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, Now the question arises कि हमारे देश के बेसिस पे जिसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है माइनॉरिटी उस इंडिविजुअल को देखी जाएगी या यूएसए के लॉ के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी देखी जाएगी। हमारे देश में जो माइनर है वो 18 साल से छोटा है, यूएसए में क्या पता ये नहीं हो, ठीक है, अगर हम सही बात करें, ठीक है, कि यूएसए में माइनॉरिटी, राइट, क्या पता 16 साल से छोटे हो, छोटी उम्र वाले माइनर किए जाते हैं, 18 साल वाले मेजर किए जाते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा या वैलिड होगा, किस लॉ के अंडर देखा जाएगा, तो आंसर मिलेगा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, जिसका रूल ये कहता है कि यहां वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट है, किसी गाड़ी को सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी को, तो जिस जगह पे वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ, राइट, सपोज यूएसए में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ या इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ, अगर इंडिया में कंक्लूड हुआ, ठीक है, तो इंडिया का लॉ अप्लाई होगा माइनॉरिटी देखने के लिए, अगर यूएसए में कंक्लूड हुआ तो यूएसए का लॉ म्युनिसिपल लॉ जो होगा माइनॉरिटी को लेके वो उस लॉ को देखा जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है, राइट, यूएसए और इंडिया के यू नो सिटीजन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और ये देखने के लिए कि क्या पार्टीज कंपिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल परचेज करने के लिए, किस कंट्री का लॉ डिसाइड होगा, तो उसके लिए प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का रूल ये कहता है कि यहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी, यहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जिस जगह इमोवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है उस जगह का लॉ अप्लाई किया जाएगा, इन केस यहां डिस्प्यूट राइज होता है पार्टीज की कॉम्पिटेंसी को लेके, कॉम्पिटेंसी पार्टीज मींस क्या वो माइनर है या साउंड माइंड है, ठीक है, तो जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है
प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के रूल के अकॉर्डिंग उस जगह का लॉ यूज होगा डिसाइड करने के लिए कि पार्टीज कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जिस जगह प्रॉपर्टी लोकेटेड है. एग्जैक्टली ठीक है. सिमिलरली शादी को लेके प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें तो शादी को लेके कोई डिस्प्यूट होता है तो इसमें जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का रूल है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, तो ये लॉ ये कहता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का कि यहाँ डोमिसाइल है पार्टी का, ठीक है, यहाँ डोमिसाइल, यहाँ पार्टी परमानेंटली रेजिडेंट है, जहाँ डोमिसाइल है उस जगह का लॉ अप्लाई किया जाएगा उस मैरिज की वैलिडिटी को डिसाइड करने के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स बीइंग चैलेंज्ड दैट पार्टीज वर नॉट कॉम्पिटेंट टू मैरी. पार्टी की कंसेंट नहीं है, माइनर है, ठीक है, या एक पार्टी माइनर है, तो माइनॉरिटी डिसाइड करने के लिए किसका, जहां डोमिसाइल होगा पार्टी का, राइट, एग्जैक्टली, जो माइनर पार्टी है उस जगह का लॉ डिसाइड करेगा उसकी माइनॉरिटी या मेजॉरिटी. ठीक है, ये है रूल. तो इसीलिए इसको सच रूल्स हैव इवॉल्वड टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच अराइज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स ऑफ म्युनिसिपल लॉज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. इसलिए इस लॉ को यूज किया जाता है. आई होप दिस मच इज क्लियर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मीनिंग ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, तो मीनिंग वो यही से वी कैन यू नो इजीली डिसर्न द मीनिंग व्हाट एवर वी डिस्कस इन द फर्स्ट स्लाइड दैट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज अ लीगल फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स केसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस. मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस हो गए ना, एक इंडिया की यू नो कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन होगी, राइट, और एक यूएसए की कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होगी. किस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई होगी उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो कि इंटरनेशनल नेचर का है, दो प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच में, राइट, वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील करेगा. That is a legal framework that governs cases involving multiple jurisdictions and the interactions of different legal system. Different legal system होगे, एक USA का legal system होगा, एक India का legal system होगा. It deals with situations where individuals, businesses or entities from one country are connected to legal issues that cross borders into other countries. Right? Since this species of law involves conflicts between the laws of different states, which obviously are different, private international law is thus also referred to as the conflict of laws. इसलिए इसको conflict of laws भी कहा जाता है. I have already discussed this. Right. Moving on to next, nature of private international law. ठीक है, अब nature क्या है इसकी? ठीक है, nature इसी topic से meaning, definition and natures, you know, जब आपको meaning समझ आ गया तो आपको nature भी पता लगेगी. Nature private international law means ये किस किस को cover करता है. ठीक है, नेचर क्या है इसकी, क्या इसमें इन्वॉल्व होता है, कौन इसका पार्ट है. तो सिंपल प्राइवेट इंडिविजुअल्स अलग अलग देशों के, दो अलग देशों के मिनिमम, दो प्राइवेट इंडिविजुअल दो अलग देशों के, उनके बीच पर कोई भी लीगल इशू इन्वॉल्व होगा किसी मैटर को भी लेके, वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अंडर इन्वॉल्व करेगा. ठीक है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डजंट एम फॉर or need everyone to agree on these on the same rules. It remains a part of each country's own laws. ये उसी का हमारा हिंदू लॉ, ठीक है, right? कोई special नहीं है. Although कुछ issues को resolve करने के लिए आप ये कह सकते हो कि हमने ऐसे law बनाए हैं, जैसे foreigners you know jurisdiction act बनाया हमने, foreigners marriages act बनाया है, ठीक है, but उसमें भी ज़्यादा detail में rules नहीं लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये situations पे depend करता है कि कॉज ऑफ एक्शन कहाँ हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ इंक्लूड हुआ, ठीक है, राइट, पार्टीज कहाँ लोकेटेड थी, डोमिसाइल थी, ये उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा. प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इवन विद सिमिलैरिटीज एंड कोऑपरेशन द नेचर ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इन टू की वेज. इट इज अबाउट रूल्स फॉर इंडिविजुअल्स, पहले मैंने आपको बता दिया, एंड बिजनेसेस एंड नॉट कंट्रीज, एंड इट्स मेन पर्पस इज टू वर्क विद इन अ कंट्रीज लीगल सिस्टम एंड कोर्ट्स. Right, moving on to next, scope of private international law. ठीक है, तो वो उसी से. Private international law isn't a separate type of law like contract or tort law. It is a part of the legal system that shows up unexpectedly. कभी भी आ सकती है ऐसी situation. ठीक है, legal system that shows up unexpectedly in any court case involving things from different countries. ठीक है, कभी भी court के पास ऐसा matter आ जाता है
राइट, इसलिए सेपरेट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ बनाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये मैटर कभी भी आ सकता है। ठीक है, इंडिया और चाइना के इंडिविजुअल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सेल परचेस लेके, सपोज चाइना से एक मशीन इंपोर्ट करनी थी, ठीक है राइट, अब ये चाइना के उस कंपनी ने वो मशीन नहीं इंपोर्ट की इंडिया में, या इंडिया या अपनी जो ऑब्लिगेशन से कॉन्ट्रैक्ट कंट्री उसको ऑनर नहीं किया, ठीक है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि केस कहाँ किया जाएगा, कहाँ इन्फोर्समेंट होगी उस कॉन्ट्रैक्ट की, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, इन एनी कोर्ट केस इन्वॉल्विंग थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, इट कैन शो अप इन कॉमन लॉ केसेस, इक्विटी केसेस, डिवोर्स केसेस, पहले बताया मैं था, एंड मोर, इवन द सिंपलेस्ट डेट केस आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इक्विटेबल क्लेम might need private interest law to solve a problem, that's what the scope of private interest law is. ये private interest law का scope है, कुछ भी आ सकता है, matrimonial से लेके, property से लेके, right, ordinary contract से लेके, ठीक है, debt को लेके, कुछ भी question involved होता है, and always remember that, ठीक है, let me underline here, that private interest law does not cater only to human beings, that is private interest, it can be इवन कंपनीज, पर्सन, जो लीगल पर्सन है उनके बीच में भी कोई मैटर, ऑफकोर्स पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनीज नहीं कर सकती, बट बहुत से कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज करती हैं रिलेटेड टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, रिलेटेड टू सेल परचेज, उनके बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है राइट, उसमें ये देख करके कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ है, ठीक है, प्राइवेट इंटरनेशनल, ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड किधर है, उसका मेन बिजनेस किधर है, ठीक है, मेन बिजनेस बेशक, ठीक है, उसके बहुत से ऑफिसेज इंडिया में हैं, बट वो रजिस्टर्ड कहाँ है, ठीक है राइट, सो ये सारे रूल्स प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अप्लाई करते हुए ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स को जो कंपनी के बीच में हो सकते हैं उनको डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, माय पर्पस इज नॉट टू गो टू ड्रिल, माय पर्पस इज टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द नेचर ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, द स्कोप ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, इट्स डेफिनेशन, ठीक है, एंड जनरली कंफ्यूजिंगली राइट वी टेंड टू ओवरलुक द फैक्ट दैट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल डिफरेंट फ्रॉम, इज अ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लॉ, ठीक है राइट, फ्रॉम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसको हमने डिस्टिंग्विश किया था कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बेसिकली राइट एक ऐसा लॉ है जो कि देशों के बीच में अप्लाई होता है, और ठीक है, दो देशों के बीच में या दो से ज्यादा देशों के बीच में, और उसका यूनिवर्सल कैरेक्टर है। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट एंटिटीज को लेके लॉ यूज होता है उनके डिस्प्यूट या उनके रिलेशनशिप को, लीगल रिलेशनशिप को डिसाइड करने के लिए। क्लियर? ओके, नाउ difference between, I have already indicated, but this is completely a part of your syllabus jo main discuss kiya aaj, difference between private and public international law, to isko hum categorically right aise samajh sakte hain, public international law deals primarily with the states, pehle aapko bataya, theek hai, isliye public international law hai, theek hai, maine story sari shuru ki thi ki law ko kisi bhi, agar hum law ko samjhe, theek hai, aise to law ki alag alag varieties hain, positive law bhi hai, right, then we have soft law bhi hai, but most important distinction is between private law and public law. Private law means the law which regulates the relationship between private individuals, and public law is the law of the state. Desh ke andar public law hoga, constitution, administrative law, aur desh ke beech mein, do deshon ke beech mein jo law hoga, that is called as international law. Okay, defense, public interest law deals primarily with the states and to some extent with individuals. Private international law deals primarily, ab puchoge to some extent with individuals, with individuals, kyunki aaj ki date mein jo public international law aur private international law ki jo distinction thi wo thodi blur hoti ja rahi hai, to some extent with individuals, theek hai, kyunki private individuals ko leke, theek hai, but usme ek party state honi chahiye, wo तब जाके पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बनेगा। जैसे आपने एक्सट्राडिशन का नाम सुना, असाइलम का नाम सुना होगा, ठीक है, एक्सट्राडाइट कब किया जाता है किसी इंडिविजुअल को, एक देश से क्राइम करके भागा हुआ आदमी दूसरे देश में चला जाता है, तो उसको कैसे डिपोर्ट किया जाए,
ठीक है, जिसको हम लीगली कहते हैं एक्सट्राडाइट किया जाए, वो इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर है। बट एक पार्टी स्टेट डिमांड कर रही है, ठीक है, जहां उसने क्राइम किया है वो इंटरनेशनल लॉ का मैटर है, बट उसमें एक पार्टी स्टेट है। यहां दोनों पार्टी जो हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होने चाहिए, तभी वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की कैटेगरी में फॉल होगा। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील्स प्राइमरली विद इंडिविजुअल्स ऑफ टू स्टेट्स। पहला, while rules of private international law are part of the internal law of the state, internal law jo hamara municipal internal law ko bolenge municipal law, okay, private internal law, international law, right, are part of the internal law of the state, okay, hamare internal law, agar hum marriage ko leke hindu marriage act ki baat kare, hum already likha hai ki polygamy, humne ye to nahi kaha ki polygamy, right, wo individual bahar jaake dusri shaadi kar sakta hai agar wo hindu hai, theek hai, polygamy means agar polygamy, right, जिसे कहते हैं प्रोहिबिटेड है, ठीक है, और फॉर दैट मैटर ब्लड रिलेशनशिप में, जिसको हम कहते हैं स्पिंटा रिलेशनशिप में शादी करना प्रोहिबिटेड अगर हिंदू लॉ, ठीक है, तो वो प्रोहिबिटेड है, चाहे वो इंडिया में शादी करे या बाहर शादी करे, राइट। यही हम बात कर रहे थे कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ ये हमारे यू नो म्युनिसिपल लॉ का पार्ट है, ये कोई सेपरेट लॉ नहीं है, राइट, लॉ ऑफ द स्टेट। It is not so in the case of public. Public international law mostly states ने मिलके treaties, conventions या थोड़े बहुत वो पुराने custom चलते हैं, उनको codify करके public international law बनाए। Thirdly, while public international law is applied uniformly to all the states, ये बताया था, ठीक है, चाहे वो space का law है, चाहे वो sea का law है, चाहे वो diplomatic immunity का law है, वो सभी देशों के ऊपर equally apply होगा। Whereas private internal law differs from state to state, because तभी तो इसको conflict of law कहते हैं, because हर state का अपना law है अपने अपने matters को लेके, चाहे वो property के matters हैं, चाहे वो marriage के matters हैं। That we discuss. Private internal law is enacted mainly through legislation enacted by the legislature of different state, naturally उसी का part है। Public internal law evolves largely through the consent of the state by means of customs and treaties. यही सबसे बड़ा source है public international law का, right? And difference between public and private internal law, guys, ye bhi ho gaya. And let's now move on to some expected questions jo aap se expect kiya jate hain, kiya ja sakte hain, you know, from this particular topic. Question hai, what is private international law? How does ye maine aapko pehle bataya tha, what is private international law? How does it differ from public international law? These questions ko, right, aap bade easily answer kar sakte hain if you understood the concept of private international law which we just discussed here. Okay? Ki private international law kya hai? So what is, jab hum puch liya, iska matlab yahan definition aur meaning of private international law aapko dena hai. Theek hai? How does it differ from public international law? I just discussed in the previous slide that it differed from public international law, ठीक है, mainly in four senses, but आप इसको दो senses में भी differentiate कर सकते हो। Public international law, ठीक है, when it comes to the subject matter, ठीक है, then it differs from private international law in terms of subject matter, right? Subject matter of public international law are nations, states, countries, whereas subject matter of private international law are two individuals. Rather than states. पहले तो subject matter के basis पे differentiate हो गया, ठीक है? Number two, right? Private interest law is a part of the municipal law of each state. ठीक है? And being so, it is not uniform, right? Across all the states of the world, because every state has its own municipal law related to matters right from marriage to contracts. To property and so on. Whereas public international law is of uniform nature. It is uniform throughout the world, right? And every state has to abide by the same law which is today codified, okay, in the form of public international law. Okay, so difference yoga. Tisra, private international law is also called as conflict of laws because there is a conflict between municipal laws of different states. Public international law cannot be
कंफ्लिक्टेड ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर, दैट्स अ डिफरेंट मैटर दैट, ठीक है, उसको देश मानते हैं या नहीं मानते हैं, बिकॉज इट्स अ सॉफ्ट लॉ, इंटरनेशनल लॉ जो है इट्स अ सॉफ्ट लॉ, ठीक है, बट राइट इट इज नॉट ऑफ एनी कंफ्लिक्चुअल नेचर बिकॉज इट इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली, राइट, इट इज ऑफ यूनिवर्सल नेचर, राइट, राइट फ्रॉम स्पेस टू द सी, ठीक है, टू डिप्लोमेटिक कम्युनिटीज, टू स्टेट रिकग्निशन, टू स्टेट सक्सेशन, राइट, एवरीवेयर, ठीक है, एवरी कंट्री, राइट, फॉलोज द सेम इंटरनेशनल, ठीक है, तो यहां से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, विच आई हैव जस्ट मेंशन, ठीक है, एंड लास्टली व्हाट इज द स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल, स्कोप मैंने आपको बता दिया, स्कोप ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कुड बी एनीथिंग, एनी मैटर विच इज इन्वॉल्विंग ए मैट्रिमोनियल इशू या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, वेदर रिलेटिंग टू द कंसेंट और कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज टू मैरी और रिलेटिंग टू द वैलिडिटी ऑफ मैरिज, ठीक है, चाहे वो क्या वो पॉलीगैमी है, ठीक है, मोनोगैमी है, राइट, अब वो पॉलीगैमी वैलिड है या इनवैलिड है किस देश के लॉ के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, तो पहले तो कहने का मतलब कि स्कोप ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कुड बी एनीथिंग, राइट फ्रॉम सिंपल मैरिज इश्यूज टू प्रॉपर्टी मैटर्स, राइट, टू ऑर्डिनरी कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स, टू सर्विस मैटर्स, राइट, टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैटर्स, ठीक है, आईपीआर या स्कोप में आ गया, राइट, टू सेल एंड परचेस मैटर्स, टू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स, राइट, टू टॉर्शियस मैटर्स, यहाँ टॉर्ट सिविल रॉन्ग हो गया किसी के किसी एक पार्टी ने दूसरी गेंस्ट दूसरे बंदे के गेंस्ट टॉर्ट कमिट कर दिया, राइट, एंड सो ऑन, इसका मतलब इसका स्कोप बहुत वाइडर है और इसमें कुछ भी मैटर आ सकता है, provided the matter involves two individuals and these two individuals, minimum two individuals, are of two different nationalities, yeah, two different countries, ठीक है, and subject matter of private international law, वो मैंने आपको पहले बताया कि subject matter इसमें private individuals होने चाहिए, ठीक है, not states, यही subject matter, तो subject matter आपने पहले समझ लेना है कि subject matter का मतलब क्या होता है, तो subject matter का मतलब है private individuals, not states, state is the subject matter of international law and private individuals, including, ठीक है, जिसको कहते हैं legal persons also, यहाँ natural persons भी आ गए और legal persons भी आ गए, natural persons means human beings, ठीक है, of two different nationalities, and artificial or legal persons means two companies, corporation जिनको legal person माना जाता है, तो subject matter में हमेशा individuals या persons होने चाहिए, whereas international law के subject matter में हमेशा states होने चाहिए, ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, इफ एनी क्वेश्चन यू हैव, राइट, सो यू कैन इजीली रेज योर क्वेरीज, ठीक है, ऑन आवर वेबसाइट व्हिच हैज द नंबर डिस्प्ले देयर ऑन, और शूट ए मेल फॉर एनी फर्दर इंक्वायरीज और एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, फॉर द टाइम बीइंग यू हैव दिस पीपीटी व्हिच यू कैन इजीली प्ले एंड jot down the important points relating to this important topic related to private international law which I have discussed, right, right from its meaning, nature, scope, difference between private and public international law, and finally the subject matter of private international law. With this, I hope this much is clear, and till then, bye bye, we shall be meeting, right, next time with another interesting and informative video. Thank you so much. Bye bye.